हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको दो लेक्चर मिल चुके हैं अभी तक फिजिक्स के, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट में क्या नियम पढ़े थे, सेकंड में क्या हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, क्या यानी कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? जब वस्तु अनंत पर हो, फोकस पर। आज हम पढ़ेंगे क्या, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र से डिस्कस करते हैं ताकि आपको मालूम रहे किस प्रकार से ये कौन सा चित्र है हमारा। अब हमने दर्पण बना रहे, कौन सा दर्पण बनेगा? ये दर्पण बनेगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इससे गुजारेंगे हम एक क्या रेखा, जिसका नाम होगा क्या? मुख्य अक्ष। क्या नाम होगा इसका? मुख्य अक्ष। इस पे कितने बिंदु होते हैं? तीन। नंबर फर्स्ट बिंदु का नाम होगा क्या? पी, ध्रुव बोलते हैं जिसको। नंबर सेकंड एफ, जिसको क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। नंबर थर्ड बिंदु होगा वक्रता केंद्र, जिसको सी बोलते हैं। और मैंने बताया था आपको अनंत कैसे बनाते हैं, बस हम छोटा सा डैश काट देंगे, ये हो जाएगा अनंत। और अनंत और किसके बीच है वस्तु? वक्रता केंद्र। वस्तु को कैसे खड़ा करेंगे हम? ये खड़ा करते हैं वस्तु को इस प्रकार से, क्योंकि अब तो हम इसको खड़ा कर सकते हैं ताकि, क्योंकि हमें मालूम है ना कहाँ पर वस्तु है। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। हमने फर्स्ट वाले में खड़ी क्यों नहीं की थी वस्तु? इसलिए खड़ी नहीं की थी क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है अनंत कितनी दूर पर हो सकता है, इसलिए हमने ऊपर से वस्तु को यानी कि किरण आरेख को खींचा था, ठीक है। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या होगा, ये गई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है? रूल नंबर फर्स्ट था हमारा जब हमने पढ़ा था, जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण होती है तो टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है? फोकस बिंदु से होकर जाती है, इस फोकस से होकर जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं किसकी? वक्रता केंद्र की, ठीक है। जब भी कोई किरण, देखो इसको वक्रता केंद्र को थोड़ा सा आगे बना लेते हैं ताकि चित्र को समझने में आसानी हो, यानी कि इसको बना लेंगे हम कहाँ पे? यहाँ पे बना लेते हैं सी को, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये गई इस बिंदु से वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र का रूल क्या होता है, यानी कि इसी से ही आपतित होती है किरण और इसी पे ही परावर्तित, यानी कि ये चित्र। अब आपने देखा इस रेखा ने और इस रेखा ने कहाँ पे क्रॉस किया, यानी कि दोनों को कहाँ पे काटा? इसने इस जगह पे काटा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हम क्या डाल देंगे? लंब। और इसका नाम हो जाएगा, ये क्या बनेगा इसका? प्रतिबिंब। अगर इसका नाम ए और ये बी है तो इसका नाम होगा क्या? ए डैश और बी डैश। क्लियर है? अब पॉइंट नोटेड, यानी कि क्या क्या हम इसमें नोट कर सकते हैं जो हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब उल्टा है। क्लियर है? प्रतिबिंब वस्तु से कितना है? वस्तु से छोटा है, ठीक है। ये चीज़ें हमें क्या पूछी जा सकती है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको हमने किस प्रकार से चित्र बनाया, यानी कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था क्या, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनना था? फोकस पर बनना था। अब हमने क्या, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यह क्लियर है? देखो आप खुद देख सकते हो, यह क्या वक्रता केंद्र और ये क्या है फोकस, इन दोनों के बीच ही तो प्रतिबिंब बन रहा है। उसमें क्या हुआ था, उसमें अनंत से लेकर आए थे और वस्तु पर, वो प्रतिबिंब कहाँ पर बना था? फोकस पर। क्लियर है सबको? समझ आया? उम्मीद करता हूँ समझ आया। अगर समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें।